यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। हर साल लाखों लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं और उनमें से 99% लोग असफल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई प्रीलिम्स में ही भार हो जाता है, कोई मेंस लिखकर छट जाता है, तो किसी को इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में जगह नहीं मिलती। अब स्टेज चाहे कोई भी हो, लेकिन यूपीएससी में एक बार फेल हुए तो इसका मतलब है कि आपका सफर वहीं खत्म हो गया और अगले साल फिर से जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अब एक मजेदार बात यह है कि अगले साल भी ये लोग वही गलतियां करते हैं जो उन्होंने पिछले साल की होती हैं, और अगले साल भी वो वहीं खड़े होते हैं, उसी जगह पे खड़े होते हैं जहां वो पिछले साल थे। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं और फेल हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results। यानी कि एक ही काम को बार बार करना और उसके अलग अलग परिणाम एक्सपेक्ट करना मूर्खता है। यदि आपको अलग परिणाम चाहिए तो आपको अपना तरीका भी बदलना होगा। यदि अभी तक आप यूपीएससी में फेल हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना तरीका, अपना सोच, अपनी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने अंदर झांकें और ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर आपके लाइफ के हर्डल्स क्या हैं। वैसे आमतौर पर कुछ कॉमन हर्डल्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से बेसिक हर्डल्स हैं। सबसे पहले है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन एक ऐसा ट्रेट है जो हम सबके अंदर होता है। कन्फ्यूजन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन ऑफ गोल, कन्फ्यूजन ऑफ मीडियम, कन्फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेज इत्यादि। अब जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में किताबों को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, आप पढ़ने के जो समय है उसको लेकर आपके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं इसको लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर इस बात का कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर क्या होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, तैयारी के हर मोड पर आपको अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन्स मिलेंगे जो बार बार आपका रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे। मगर इन सभी प्रकार के कन्फ्यूजन्स का एक ही जवाब है, एंड दैट इज फोकस। अब हमने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वो कागज को जलाने का एक्सपेरिमेंट। तो जिस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट को एक जगह पर फोकस कर देता है और कागज में आग लग जाती है, उसी तरह आपको भी अपने दिमाग को एक जगह पर ही फोकस रखना होगा और लगातार उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। हाँ, ये काम आसान नहीं होगा और इसमें आपको समय भी देना पड़ेगा, मगर याद रखिए कि कागज़ में भी आप आग तभी लगती है जब मैग्नीफाइंग को कुछ समय के लिए उसके एक ही पॉइंट पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज वैल्यू योर टाइम। तो अक्सर हम अपने टास्क पर फोकस करते हैं और इस चक्कर में टाइम को भूल जाते हैं, टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। जैसे हम गोल ये सेट करते हैं उसमें, या ये तय करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन हम ये तय नहीं कर पाते ये कि हमें ये कितनी देर तक पढ़ना है, कितनी देर तक करना है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि आज मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ूंगी, तो आप लग गए हैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि उसमें समय कितना देना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। इससे होता यह है कि आपका सारा फोकस आपके टास्क पर ही रहता है और कैसे भी करके आप उसे पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन आपको समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और इस चक्कर में आप वो पार्ट पूरा तो कर लेते हैं लेकिन उससे जो समय का लॉस होता है उसकी वजह से आपके कोई दूसरे जो टास्क होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप टास्क के साथ साथ टाइम पर भी ध्यान दें और एक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल आप डेवलप करें। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फल की चिंता करते हैं और फिर उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो इससे हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन यानी कि एक अपेक्षा पैदा हो जाती है, और जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तब हम दुखी और परेशान होने लगते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमारे सभी दुख हमारे
परेशानियों का मूल कारण हमारी अपेक्षाएं ही होती हैं। तो एक बार मन से किसी भी प्रकार की अपेक्षा को निकाल कर सिर्फ कर्म करके देखिए, आप परिणाम देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो हम सबके अंदर होते हैं और हम सबको ड्राइव करते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इनके कंट्रोल में काम करने के बजाय आप इन्हें अपने कंट्रोल में कीजिए और इनसे अपनी इच्छा अनुसार काम करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।